एक दिन का करोड़पति। एक समय की बात है, जैसे ही अलार्म की घंटी बजी, टॉम जो आराम से सो रहा था उसने अलार्म को बंद किया। ऐसा करते वक्त उसने पिज्जा के खाली डिब्बे को भी गिरा दिया। कूद कुदाते हुए वो बिस्तर से उठा और अपने बेमेल मोजों को लात मार के उन्हें एक तरफ फेंक दिया। फिर उसका पैर एक प्लेट पर गया जिसमें आधा खाया हुआ सैंडविच था जो जमीन पर बिखरा हुआ था। एक और दिन, एक और मुसीबत का इंतजार। मिलिए टॉम से, जिसमें कोई खास बात नहीं थी। कामयाब लोगों की दुनिया में एक नाकामयाब इंसान, जैसा आपने अभी अभी देखा, उसमें कोई जोश नहीं था। हर समय शिकायत ही करता रहता। टॉम अपनी जिंदगी एक टट्टू की तरह जीता था। वही पुरानी जिद्दी कॉफी मशीन, टूथब्रश पर वही पुरानी टूथपेस्ट, बस स्टॉप तक उसी चाल में चल कर जाना। देखा जाए तो टॉम एक बड़ी कंपनी में काम करता था। वो सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक काम करता, जिसमें काफी डॉक्यूमेंटेशन और पेपर वर्क का काम रहता। उसकी डेस्क पर सब कुछ बिखरा पड़ा रहता। कीबोर्ड पर काम करते करते वो केसी की तरफ प्यार भरी आंखों से देखता, जो बस पास में ही थी। लेकिन वो अपनी दिल की बात उसे कभी नहीं बता पाया। टॉम, हे, फिर से दिन में सपने देख रहे हो? मेरे साथ नाश्ता करने चलोगे? मैं घर से जल्दी निकल गई, भूख लगी है। हे केसी, नहीं मैं ठीक हूँ, मैंने नाश्ता कर लिया है, शुक्रिया। दिन में सपने? तुम भी ना, मेरा काम अभी भी बाकी है। ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ। ओ, क्या तुम बनानजा लॉटरी खेलने वाले हो? क्या, कौन सी पटरी? मजाक, कोई बात नहीं, वो लॉटरी तुम्हें खेलनी चाहिए, पता नहीं शायद तुम जीत जाओ। केसी, अगर मैं जीता तो? वैसे टॉम, इतना भी आसान नहीं है, पर अगर तुम जीते तो मुझे खाना खिलाने ले जाओगे? एक दिन टॉम, तुम में हिम्मत आएगी। टॉम दिन में 3 बार वही खाना खाता, आलू की सब्जी और चावल, तीनों बार। हे टॉम, आज तुम्हें कैफेटेरिया का खाना कैसा लग रहा है? हमेशा की तरह स्वादिष्ट जॉन। लेकिन उस शाम घर जाते समय टॉम ने एक अलग रास्ता लिया। आखिरकार उसने एक लॉटरी टिकट खरीदी, जो उसने पहले कभी नहीं किया था। टॉम, बेस्ट ऑफ लक। अरे शुक्रिया, ये मेरा पहली बार है। वो कहावत तो सुनी है ना, नौसिखिए की किस्मत। हाँ, देखते हैं क्या होगा। रात के 9 बजे प्राइम टाइम खबरों के ब्रेक के दौरान टीवी देखना मत भूलना। हाँ ठीक है। टॉम एक लॉटरी टिकट बूथ के पास गया। उसकी आंखों में एक चमक थी जब वो टिकट पर अपने आंकड़े देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी में बदलाव की एक हल्की सी किरण अंदर घुसने वाली थी। टॉम टीवी के सामने बैठा, जैसे ही घड़ी में 9 बजे, उसने लॉटरी टिकट को कस के पकड़ा। खुशी और उत्सुकता के मारे उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। एक मिनट, ये तो मेरे नंबर है। हाँ, क्या बात है यार। अगली सुबह लॉटरी ऑफिस में टॉम लॉटरी अधिकारी के सामने खड़ा हुआ। उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था। बहुत बहुत बधाई टॉम, तुम 1 करोड़ जीत गए। ये कैसे हुआ, मुझे नहीं पता क्या करना है। सबसे पहले तुम्हें ये करना है कि यकीन करो तुम जीत गए। बताने के लिए शुक्रिया। और दूसरा, जो चाहे खरीदो। फिर बिना देरी किए टॉम एक आलीशान गाड़ी के शोरूम में गया और उसने काले रंग की स्पोर्ट्स गाड़ी खरीदी, ये जताने के लिए कि उसमें कितना आत्मविश्वास है। फिर उसे लगा कि खुद में थोड़ा बदलाव लाया जाए, तो वो एक सलून में गया और उसने वहां पर अपनी दाढ़ी बनवाई और बाल कटवाए। वो मॉल में गया और उसकी नजर एक सूट पर गई। फिर उसने उस दुकान के सारे सूट्स खरीद लिए। टॉम सुंदर लग रहा था।
हालांकि वो थोड़ा बहक गया था, उसे अंदाजा हुआ कि उसे ऑफिस के लिए देरी हो रही है। अरे नहीं, मुझे चलना चाहिए। टॉम गाड़ी को तेज चलाकर ऑफिस के लिए निकला। उसकी नजर किसी चीज पर पड़ी और उसने गाड़ी को पीछे लिया। उसे एक आलीशान घर दिखाई दिया जो सेल के लिए था। माफ करना, लेकिन इस घर का सौदा हो चुका है। मैं तो बस अभी इस बोर्ड को उतारने ही वाला था। कोई बात नहीं, पर अगर मैं तुम्हें इस घर की दुगनी कीमत दूं तो? घर के मालिक ने टॉम को खुशी खुशी चाबी दे दी। टॉम का अभिमान उस पर हावी होने लगा। उसने अपनी आधी दौलत खर्च कर दी थी और अब तक उसने खाना भी खाया नहीं था। टॉम सीधे ऑफिस गया और उसने हॉर्न बजाया और इंजन को तेज किया। हर कोई हैरान रह गया। केसी हंगामा देखने के लिए अपने कैबिन से बाहर आई और वो भी हैरान रह गई। सुनो मिस्टर, हम सब यहाँ काम कर रहे हैं। एक मिनट, ये क्या? टॉम, क्या ये तुम हो? और ये गाड़ी किसकी है? केसी, क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलना चाहोगी? टॉम और केसी ने एक शानदार होटल में खाना खाया जो बहुत ही महंगा था। उन दोनों ने खूब बातें की और टॉम काफी जोश में लग रहा था। तो केसी, ये जगह तुम्हें कैसी लगी? हमारे ऑफिस के कैफेटेरिया से बेहतर है ना? असल में काफी बेहतर है टॉम, बहुत शानदार है। मुझे लगता है यहाँ मुझे तमीज से पेश आना पड़ेगा। रिलैक्स केसी, गलत कांटा इस्तेमाल करने पर वो हमें नहीं निकालेंगे, भरोसा रखो। मैंने पूछा है। इसका मतलब तुम इस लॉटरी की जीत की तैयारी पहले से कर रहे थे, है ना? बिल्कुल नहीं। पता है, अजीब है, वो लॉटरी अधिकारी कह रहा था कि ये नौसिखिए की किस्मत है, लेकिन मुझे लगता है ये लेडी लक है। लेडी लक? वो कैसे? वो एक्चुअली लॉटरी के दिन किसी ने मुझसे कहा था कि क्या पता शायद तुम जीत जाओ। वो मैं थी। ओह टॉम, तुम मुझे छेड़ रहे हो, बस करो। तो केसी, अगर तुम लॉटरी जीतती तो क्या करती? पूरी दुनिया घूमती, पता है, अपनी नौकरी छोड़ देती, कई जगहों पर जाती, बढ़िया खाना खाती। नए टॉम में एक अलग तरह का आत्मविश्वास था। वो केसी को हंसाता और दोनों ने खूब मजे किए, लेकिन इतना नहीं कि इसे डेट कहा जाए। टॉम, देर हो गई है और भले ही तुम लॉटरी जीते हो, पर मुझे तो कल सुबह काम पर जाना है। ओ हाँ, क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ? आज की डेट बढ़िया थी, शुक्रिया केस। वो आराम से टॉम, ये कोई डेट नहीं थी। हम साथ काम करते हैं, ऑफिस कलीग्स हैं, और हम तो दोस्त भी नहीं हैं। केसी माफ करना, देखो मानना पड़ेगा कि हम तो। देखो टॉम, हाँ आज मुझे बहुत मजा आया, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम लॉटरी जीते, इसका ये मतलब नहीं कि तुमने दुनिया जीत ली है। मैं टैक्सी बुला रही हूँ। डिनर के लिए शुक्रिया, गुड नाइट। कल ऑफिस में मिलते हैं, गुड नाइट। वापस अपने आलीशान घर में टॉम असमंजस में था, वो सो नहीं पाया। कितना अजीब दिन था। पता नहीं मुझे इस नए घर को लेकर खुश होना चाहिए या फिर उस नई गाड़ी को लेकर जो मैंने खरीदी, या फिर आज रात मैं उस लड़की के साथ खाने पर गया जिसे मैं इतने सालों से पसंद करता हूँ। यार ये सब एक सपने की तरह लगता है, शायद कल जब मैं उठूंगा तो ये सब चला जाएगा। लेकिन फिर अगली सुबह जैसे ही सूरज उगा, एक रहस्यमयी अजनबी जिसने काले कपड़े पहने हुए थे टॉम के दरवाजे पर आया। हेलो टॉम, चलो कुछ बात करते हैं। टॉम और वो रहस्यमयी अजनबी एक महंगे सोफे पर एक दूसरे के सामने बैठ गए। कौन हो तुम? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? ये जरूरी नहीं है। तुम्हारा लॉटरी जीतना जैसा दिखता है वैसा है नहीं मेरे दोस्त। तुम उसके बारे में कैसे जानते हो? एक बात कहूं, मैं बहुत कुछ जानता हूं। अजीब है, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें ये चश्मा उतार देना चाहिए? टॉम, जो लॉटरी तुम जीते। आगे भी बोलो, काले कपड़ों की दुकान। दिशा निर्देशों को जरा ध्यान से पढ़ो। शर्तें और नियम लागू। तुम एक दिन के लिए करोड़पति हो। हाँ बिल्कुल। हाँ तो क्या, मैं एक दिन का करोड़पति हूँ, उसमें क्या?
नहीं टॉम, इसका मतलब तुम इस दिन को हर दिन जियोगे, बार बार लगातार। तुम करोड़पति हो लेकिन सिर्फ आज के लिए। तुम झूठ बोल रहे हो, ये सब क्या है? बाहर देखो टॉम, ये वही दिन है फिर से। इससे कुछ साबित नहीं होता। ठीक है, आज भी तुम किचन की जमीन पर सीरियल गिरा दोगे जैसे कल किया था। लॉटरी के पैसे मिलने पर सबसे पहले तुम काले रंग की स्पोर्ट्स गाड़ी खरीदोगे, तुम अपने बाल नए तरीके से कटवाओगे और एक सूट खरीदोगे। तुम ये सब कैसे जानते हो? तुम केसी को बढ़िया खाना खिलाने ले जाओगे और उसके बाद वो तुम्हें छोड़ देगी। और भी सुनना चाहते हो? नहीं, इतना काफी है, तुमने मुझे धोखा दिया। बिल्कुल भी नहीं, ये सब तुम्हारे सामने साफ साफ लिखा हुआ था, तुमने ही दिशा निर्देशों को नहीं पढ़ा। टॉम के पैरों से मानो जमीन खिसकने लगी। उसे एहसास होने लगा कि उसकी जिंदगी हर दिन उसी अंदाज में चलने वाली है। टॉम थोड़ी देर के लिए रुका, फिर उसने अपना सिर उठाया और कहा, मैं ये सब कैसे बदल सकता हूँ? वैसे इससे निकलने का एक रास्ता है, तुम ये सारी दौलत और अधिकता खो दोगे। सब कुछ? हाँ, इससे बाहर निकलने का सिर्फ यही एक रास्ता है। इन पैसों का क्या फायदा अगर यादें बनाने के लिए कोई साथ ही ना हो? मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, सही फैसला टॉम, समझदार। एक आखिरी चीज। अब क्या? तुम एक चीज रख सकते हो, कुछ भी, और फिर मैं ये सब कुछ मिटा दूंगा। तुम्हारी नींद अपने पुराने घर में खुलेगी, बस यूं ही टॉम। मैं तुम्हारी ये काली टोपी लेना चाहूंगा। टॉम की नींद अपने गंदे कमरे में खुली। वो चुपचाप सारे बर्तन धोने लगा। उसने दाढ़ी बनाई, कपड़े बदले, एक अच्छी टाई पहनी और बिना गिराए सीरियल को खत्म किया और वो काम पर गया, चेहरे पर मुस्कान लिए। जब वो केसी के सामने आया तो टॉम का बर्ताव अलग था, लेकिन अब वो पहले की तरह घबराता नहीं था। केसी, मैं तुम्हें 3 सालों से पसंद करता हूँ, क्या तुम मेरे साथ कॉफी पीना चाहोगी? मैं इसी पल का इंतजार कर रही थी टॉम। हाँ बिल्कुल। हर दिन तकरीबन वही जिंदगी जीने के डर से रूबरू होकर आखिरकार टॉम आजाद हो गया। टॉम ने इस बात को समझा कि पैसों के पीछे भागने से कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि जिंदगी को हर दिन बहादुरी से, सच्चाई से और एक मकसद के साथ जीना चाहिए। इस तरह से टॉम और केसी की एक सुंदर जिंदगी की शुरुआत हुई।